राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्म दिवस के अवसर पर आज पिलानी से राजीव सिंह शेखावत के नेतृत्व में गाड़ियों के काफिले के साथ सालासर रवाना हुए। इस दौरान वसुंधरा राजे के लगे पोस्टरों से सजी गाड़ियां की लंबी लाइनें पिलानी में चर्चा का विषय रही। राजीव सिंह शेखावत ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री राजे का जन्म दिवस 8 मार्च को आता है, परंतु 8 मार्च को होली पर्व है और राज्य के चाहने वाले लोग उनका जन्म दिवस धूमधाम से मनाना चाहते हैं, इसलिए यह कार्यक्रम आज 4 मार्च को रखा गया है। शेखावत ने बताया कि जिले से लगभग 4000 गाड़ियां व पिलानी से लगभग 500 गाड़ियों के काफिले के साथ आज वे सालासर रवाना हो रहे हैं। आज 4 मार्च को हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरा एक तरह से झुंझुनू जिले का जन समूह सालासर धाम उनको बधाई देने के लिए पहुंच रहा है। हमारे 7 विधानसभा से जो प्रभारी थे वो अपने अपने काफिले के साथ निकल चुके हैं। मैं स्वयं पिलानी से लगभग 500 गाड़ियों के काफिले के साथ में हमारे पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी को बधाई देने के लिए सालासर रवाना हो रहा हूँ। वहीं पिलानी में टैगोर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज वार्षिकोत्सव सरगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर सत्यवीर जांगिड ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय के 19 छात्र छात्राओं जिन्होंने 90% से अधिक अंक बोर्ड परीक्षाओं में हासिल किए हैं, उन्हें आज लैपटॉप और मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं लगभग 58 विद्यार्थियों जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में 80% से 79.99% अंक हासिल किए हैं, उन्हें चांदी के सिक्के और मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विजय जांगिड ज्वाइंट सेक्रेटरी AICC जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज छत्तीसगढ़ थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर पीतराम सिंह काला शिक्षा विभाग संयुक्त निदेशक चूरू, CBEO ओम प्रकाश वर्मा पिलानी, दलीप पुनिया पिलानी पालिका चेयरमैन हीरालाल नायक आदि थे। कार्यक्रम का संचालन नितेंद्र पाठक ने किया। स्कूल का वार्षिकोत्सव था, इसमें मुझे आमंत्रित किया गया था मुख्य अतिथि के रूप में। मैं मेरा उनके बीच में हाजिर हुआ हूँ और एक अच्छा लगा। एक बचपन सा याद आता है कि बचपन किस प्रकार से अनुशासित होकर बच्चे काम करते हैं और जो बच्चे अच्छे नंबर लाए अंक लाए हैं उनको पुरस्कार लेते हुए देखते हुए बहुत अच्छा लगता है कि यही बच्चे आगे चल के देश और राष्ट्र की सेवा करेंगे और इन्हीं में से कुछ लोग राजनीतिक क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, कुछ पदों पर देखने को मिलेंगे। समाज में शिक्षा के बिना बदलाव नहीं आ सकता और एक शिक्षा के संस्थान में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मध्यम वर्ग के और उसे नीचे तबके के बच्चों में जिस प्रकार शिक्षा के प्रति जागरूकता है, जिस प्रकार से जिस अनुशासन से वो पढ़ रहे हैं और अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, मुझे लगता है देश और समाज के लिए एक अच्छी बात। वहीं पिलानी में आज थाना परिसर में पिलानी व्यापार मंडल और CLG सदस्यों की बैठक हुई। इस बैठक में होली त्योहार के उपलक्ष्य में सदस्यों के सुझाव लिए गए। CI रंजीत सिंह सेवदा ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य मुख्य जगहों पर पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। वहीं बाइकों से पटाखे बजाने वालों पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। आज होली के त्योहार को लेके CLG मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें CLG सदस्य व्यापार मंडल के लोग आए और उनसे होली के संबंध में जो व्यवस्था है उनके संबंध में बातचीत की गई। स्पेशली हम होली पे हुड़दंग करने वाले और नशा करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा रोड सेफ्टी के तहत अभी हेलमेट और सीट बेल्ट के संबंध में अभियान चल रहा है पुलिस मुख्यालय का। उस अभियान के साथ साथ जो बुलेट मोटरसाइकिल में जिन्होंने साइलेंसर मॉडिफाई करके पटाखे बजाते हैं उनके विरुद्ध विशेष रूप से कार्रवाई करेंगे, जिनके विरुद्ध नॉइज कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करेंगे और इनके जो मोटरसाइकिल हैं वो जब्ती की कार्रवाई करेंगे। ये अभियान अभी से और आगे तक जारी रहेगा जब तक ये पूर्ण रूप से इस तरीके की सारी बाइकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती। त्योहार पे निश्चित रूप से पेट्रोलिंग भी बढ़ाई जाएगी और फिक्स पिकेट भी लगाए जाएंगे। उसी संबंध में आज व्यापार मंडल और CLG सदस्यों से बातचीत हुई है, उन्होंने कई पर्टिकुलर जगह बताई है, उन जगह पे विशेष रूप से पुलिस जाता तैनात किया जाएगा।